नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया में सबसे पहले आज बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बारे में। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सपने हैं उन तमाम सपने को पूरा करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार के क्या सपने हो सकते हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और उसी को बताने के लिए इस वीडियो में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप तमाम लोगों के साथ। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर राजीव रंजन ने क्या किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के तमाम नेता कार्यकर्ता ने जो वादे किए हैं जनता से, जो वादे किए हैं बिहार की जनता से, वहाँ के अवामों से, जो भरोसे दिलाए हैं, जो वादे किए हैं, उन तमाम चीज़ों को पूरा करेंगे। और यही वजह है कि राजीव रंजन ने कहा है कि तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता से वो मुलाकात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं और उन लोगों को तैयार कर रहे हैं। और उन्हें कहा गया कि नीतीश कुमार के उन तमाम सपनों को पूरा करना है जो बिहार की जनता से किए गए हैं। यही वजह है कि वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब बिहार की जनता के काम काज पूरे होंगे, उनके भरोसा पे कायम खड़े होंगे, उनके जो वादे किए गए उसको पूरे करेंगे, तो लाजमी है कि नीतीश कुमार के सपने भी पूरे हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के साथ साथ उनसे जो वादे किए गए कि महिलाएं महफूज रहेंगे, जो शराबबंदी का ऐलान किया महिलाएं उसको लेकर खुश हैं, चाहे वो जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो भी योजनाएं हैं उनको लोगों तक घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। सवाल ये भी है कि जो जंगल राज बनाया गया था, गुंडे को जो है, अपराधियों को जो है ज्यादा मौका दिया गया था विपक्ष की सरकार में, उन तमाम अपराधियों को खत्म करना है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, यही नीतीश कुमार के जो सपने थे, जनताओं से जो वादे किए गए थे, इसी सपना की वो बात कर रहे हैं कि उसको पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा राजीव रंजन जी ने कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उनकी रणनीतियों को बनाएंगे और उनकी रणनीतियों को बनाकर तमाम कार्यकर्ता और नेता मिलकर राजीव रंजन जी पूरा करेंगे। और जैसे ही इसमें उनका मकसद पूरा होगा, यानी कि नीतीश कुमार का जो है मकसद पूरा हो जाएगा और उनके सपने को वो पूरा कर लेंगे, तो अब देखना है कि इस पहलू में तो तमाम लोग लग चुके हैं क्या, लेकिन सवाल यही रहेगा कि क्या वाकई में राजीव रंजन जी नीतीश कुमार के सपने को पूरा कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया।